बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Dear kids and viewers of Kids Madni Channel, yet another program called Bachcho Ki Sham has started with information and Islamic knowledge. So let's begin our program with the Fazilat of Durood Sharif. हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कयामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप? अशरफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरतुत तीन। जी हाँ, तो आइए अशरफ भाई से तिलावत सुनते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जहाँ भी तिलावत कुरान पाक की जाए उसे तवज्जो से सुननी चाहिए, हाथ बांध कर नीचे नजर झुका कर अदबो एहतराम से सुनी जाए, तो इस इंशाल्लाह इसकी वजह से हमें अल्लाह पाक की रहमतें मिलेंगी। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا فما يكذبك بعد بالدين
الدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله अल्लाह पाक आपको बरकत दे मक्के और मदीने की बाअदब हाजरियां नसीब फरमाए अल्लाह पाक आपको तिलावत और अच्छे अंदाज में करने की तौफीक अता फरमाए तो प्यारे बच्चों आइए आज का सवाल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों आज का सवाल है वो कौन से नबी अलैहि सलाम हैं जिन्होंने सबसे पहले कश्ती बनाई। वो कौन से नबी अलैहि सलाम हैं जिन्होंने सबसे पहले कश्ती बनाई। इसका जवाब आपको हमें कॉल पे बताना है। वो कौन से नबी अलैहि सलाम हैं जिन्होंने सबसे पहले कश्ती बनाई। प्यारे बच्चों इसी तरह आइए अपने प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करते हैं जिसमें होंगे हमारे साथ हमजा भाई, लेकिन उससे पहले बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। आइए हमजा भाई से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप हमजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन से कलाम की तैयारी करके आए हैं? मैं आज है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। तो बढ़ेंगे और हमजा भाई से कलाम सुनिए। सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि कया हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कया رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے شگید سے بھی میٹھا सरकार का मदीना है शगैद से भी मीठा सरकार का मदीना मदीना सरकार का मदीना सरकार का मदीना क्या खूब महक मग का क्या खूब मग कमग का सरकार का मदीना मदीना सरकार का मदीना शगैद से भी मीठा हमको पसंद आया सरकार का मदीना सरकार का मदीना हमको पसंद सरकार का मदीना सरकार का मदीना क्यों हो ना अपना नारा क्यों हो ना अपना नारा
सरकार का मदीना, मदीना सरकार का मदीना, कैसे गए किसे भी मीठा सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, अल्लाह का मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना, मदीना सरकार का मदीना, है शगैद से भी मीठा सरकार का मदीना, मदीना सरकार का मदीना, पेरिस पे मरने वाले पेरिस को भूल जाता, पेरिस को भूल जाता, पेरिस पे मरने वाले पेरिस को भूल जाता, तू भी जो देख लेता, तू भी जो देख लेता सरकार का मदीना, मदीना सरकार का मदीना, गैश गैद से भी मीठा सरकार का मदीना, अतार की दुआ गे तकदीर में खुदाया, तकदीर में खुदाया, अतार की दुआ गे तकदीर में खुदाया, तकदीर में खुदाया, लिख दे फकत मदीना, मदीना लिख दे फकत मदीना सरकार का मदीना, मदीना सरकार का मदीना, है शगैद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब मगकमका सरकार का मदीना, कैश गैद से भी मीठा सरकार का मदीना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, मुहम्मद मुस्तफा, अहमद मुज्तबा, अमीना का लाडला।
नबी शाह हर दोस्त से आखरी नबी ताजदार अंबिया से आखरी नबी है शफी उल वरा सबसे आखरी नबी है हमारा नजरिया सबसे आखरी नबी है हबीब किब्रिया सबसे आखरी नबी अकीदा सब सहाब का सबसे आखरी नबी अकीदा अहले बैत का सबसे आखरी नबी औलिया का नजरिया सबसे आखरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखरी नबी नजरिया सबसे आखिरी नबी जज़ाकअल्लाह खैरा हमजा भाई आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की बहुत ही अच्छे अंदाज में कलाम सुनाया अल्लाह पाक आपको बरकतें दे मक्के और मदीने की बाअदब हाजियाँ नसीब फरमाए अल्लाह पाक आपको आपके नात के स्किल्स को इम्प्रूव करे। तो प्यारे बच्चों इसी तरह अब वक्त हो गया है अपने प्रोग्राम में कहानी शामिल करने का और बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कहानी बच्चों की शाम बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उस स्टोरी का टॉपिक है दूसरों की मदद करना नेकी है। दूसरों की मदद करना नेकी है। अगर आपको कोई नेकी करनी हो तो किसी की मदद करें इंशाल्लाह आपको उसका सवाब मिलेगा। तो आइए स्टोरी सुनते हैं। प्यारे बच्चों नेकी करना सबसे अच्छा काम है। हमारे प्यारे दीन इस्लाम में इसके लिए खास हिदायत की गई है और आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे ये दूसरों की मदद करने के हवाले से है। प्यारे बच्चों आपको पता है किसके हवाले से है? मैंने तो अभी बता दिया है तो आप बताइए। मदद करने के हवाले से। जी हाँ। तो आइए कहानी सुनते हैं। बच्चों याद रखें कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो ये आप एक नेकी करते हैं। हमारी आज की कहानी चूहे और शेर के मुतालिक है। एक दिन शेर को बहुत जोर की भूख लगी हुई थी लेकिन उसे कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा था। घूमते घूमते उसे एक जगह चूहा मिला। शेर बहुत भूखा था उसको उसने झट से उस चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा मुझे खाकर तुम्हारा क्या पेट भरेगा? मुझे अगर तुम छोड़ दोगे तो यकीन नेकी करोगे और तुम्हें इसका इनाम मुझसे अच्छे शिकार की सूरत में भी मिल सकता है। शेर ने पहले छोड़ने से तो इनकार कर दिया। फिर कुछ लम्हों बाद यानी कुछ देर बाद उसने अपने पंजों को खोल दिया और चूहे को जाने दिया। तो प्यारे बच्चों कुछ दिनों बाद शिकारियों ने जंगल का रुख किया और शेर के शिकार के लिए जगह जगह जाल लगा दिए। शेर को जब ये मालूम हुआ तो उसने जंगल में इधर उधर रहना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है भाई शिकारियों ने जगह जगह जाल लगा दिए थे फिर वो अगर जाल में फंस जाता तो जान तो नहीं बचती ना उसकी। एक रात बहुत खामोशी थी और सन्नाटा था। जब शेर ने महसूस किया कि वो खतरे में है उसने उस जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना चाहा तो आगे लगे हुए जाल में फंस गया। अब शेर जितना जोर लगाए उतना ही जाल में मजीद फंसता जाए। थक हार कर शेर रुक गया। काफी देर गुजर जाने के बाद शेर को वही चूहा करीब से गुजरता हुआ नजर आया। उसने चूहे को बुलाया और याद दिलाया कि कैसे उसने उसकी जान बख्शी थी। बच्चों याद है ना शेर ने उसकी कैसे जान बख्शी थी? कौन बताएगा मुझे? चले हाथ उठाइए। चले आयान भाई बताइए वो बताना चाह रहे। पहले जब शेर भूखा था और उसने जब चूहे का शिकार करना चाहा चूहे ने उससे माफी मांगी थी मुझे छोड़ दो और शेर ने उसे माफी तो नहीं मांगी थी दरख्वास्त करी थी मुझे। जी दरख्वास्त करी थी दरख्वास्त की थी कि मेरी जान छोड़ दो और शेर ने उसकी जान छोड़ दी और उसे आजाद कर दिया। और अब शेर ने चूहे को रिक्वेस्ट की के वो उसका जाल कुतर दे यानी उसका जाल काट दे। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि चूहे के दांत बहुत शार्प होते हैं ना छोटे छोटे शार्प दांत। जी हाँ। तो आगे सुनते हैं कि वो उसका जाल कुतर दे यानी जाल काट दे। चूहे ने फौरन वो जाल कुतरा और यूं वो शेर उस जाल में से निकलने में कामयाब हो गया। इसलिए कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और ये एक नेकी का काम भी है। प्यारे बच्चों अब मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी अब इससे आप लोगों को क्या लर्निंग हासिल होती है? इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी? कौन बताना चाहेगा? चलिए आप बताइए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए।
जी हाँ, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहीं परेशानी हो रही हो, कहीं किसी को ज़रूरत हो, तो वहाँ फौरन उसकी मदद करनी चाहिए जिसको मदद की ज़रूरत हो। तो प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम बिलाल है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकअल्लाह खैरा। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। ये कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स हैं हमारे पास। ये भी एक रिकॉर्डेड कॉल थी, तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉल की जाने। आज का सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आज का सवाल नहीं, आज के सवाल का जवाब है। सवाल तो ये है ना कि वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने सबसे पहले कश्ती बनाई। ये सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपने बताया है और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज का जवाब दूंगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जज़ाकअल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शेख जमान तारी है, मैं शाहपुर चौहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे अम्मा भाई, मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब देके सबसे पहले कश्ती हमने नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई। हम सब कहते हैं कि आज मदनी चैनल जज़ाकअल्लाह खैर। आमीन आमीन। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल। माय नेम इज फातिमा बीबी, आई स्टडी इन क्लास 2। माय स्कूल नेम इज दालपदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल। माय आंसर इज हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जज़ाकअल्लाह खैरा, यू कॉल्ड इन आवर प्रोग्राम एंड योर आंसर इज करेक्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है पेट्स कॉर्नर। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, पेट्स कॉर्नर में आज जिस पेट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, उस पेट को उर्दू में कबूतर, इंग्लिश में पिजन और अरबी में हमामा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ना, कबूतर को अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसके रंग, इसके पर, ये सब अल्लाह पाक ने बनाए हैं और ये बहुत प्यारा सा परिंदा है। आइए आपको पिजन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते हैं। बच्चों, अल्लाह पाक ने कबूतर की बहुत सारी किस्में बनाई है। एक तहकीक के मुताबिक कबूतर की 300 से ज्यादा किस्में हैं। दी रॉक पिजन, ये दुनिया भर में कबूतरों की सबसे कॉमन टाइप है। इस कबूतर का सर छोटा और छोटी ही ब्लैक कलर की चोंच होती है जो इसे जमीन से छोटी छोटी चीजें उठाने और खाने में मदद देती है। दी रॉक पिजन के परों में डिफरेंट कलर्स होते हैं और इनके परों में ग्रीन और पर्पल कलर का शेड होता है। ज्यादातर इनकी गर्दन डार्क ग्रे कलर की होती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कबूतरों के पांव लाल क्यों होते हैं? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, अभी आपको बताते हैं कि कबूतर के पांव लाल होने का वाकिया क्या है। तो बच्चों, वाकिया कुछ इस तरह है कि हजरत नूह अलैहि सलाम ने तूफान खत्म होने के बाद जमीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मुल्के सबा से जैतून की एक पत्ती चोंच में लेकर वापस आ गया। आप अलैहि सलाम ने इससे फरमाया, तुम जमीन पर नहीं उतरे इसलिए फिर जाओ और जमीन की खबर लेकर आओ। कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्के पाक में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया पानी जमीन हरम से खत्म हो चुका है और लाल रंग की मिट्टी जाहिर हो गई है और कबूतर के दोनों पांव लाल रंग की मिट्टी से रंगीन हो गए। वो इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया और अर्ज की, ए अल्लाह पाक के नबी, मेरे लिए बात खुशी का बाइस होगी। आप मेरे गले में खूबसूरत हार पहना दीजिए और मेरे पांव लाल फरमा दीजिए और मुझे जमीन हरम में रहने की इजाजत दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर की चोंच और गर्दन पर अपना हाथ फेरा, इसे हार पहनाया, इसके पांव को लाल कर दिया और इसके लिए और इसकी औलाद के लिए बरकत की दुआ मांगी। कबूतर सब्जियां, बीज, फल और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स खाते हैं। कबूतर का बच्चा जब 2 माह का हो जाता है तो वो घोंसले छोड़ने के लिए रेडी होता है। बच्चों, कबूतर वो परिंदा है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ भी दी है। क्या आपको मालूम है कि किस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बरकत की दुआ दी? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं,
अभी आपको मालूम हो जाएगा। हुआ कुछ इस तरह के मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने के दौरान जब काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे, तो अल्लाह पाक ने एक दरख्त को गार के दरवाजे पर उगने का हुक्म दिया, मकड़ी को गार के दरवाजे पर जाला तनने का हुक्म दिया और दो जंगली कबूतर भेजे, वो गार के दरवाजे पर ठहर गए और घोंसला बना दिया। काफिर ये देखकर वापस लौट गए कि गार में कोई भी नहीं है, तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबूतरों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और इनके लिए भलाई की दुआ की। तो हरम शरीफ के कबूतर इन्हीं कबूतरों की नस्ल से हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कबूतर के मसल्स बहुत ही स्ट्रांग बनाए हैं जो उसको उड़ने में मदद करते हैं। क्या आपको पता है कि कबूतर 6000 फीट की हाइट तक फ्लाई कर सकता है। कबूतर ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और इनके ग्रुप में तकरीबन 20 से 30 कबूतर हो सकते हैं। कबूतर 1300 माइल दूर से अपने घोंसले का रास्ता तलाश कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने कबूतरों को बहुत जहीन यानी इंटेलिजेंट बनाया है और इनकी आईसाइट इतनी अच्छी होती है कि अगर लोग समुंदर में गुम हो जाए तो इन्हें रेस्क्यू करने वालों की मदद के लिए उनको ट्रेन भी किया जाता है। कबूतर को पहले जमाने में डाक के तौर पर यानी पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर एक प्यारा सा बर्ड है जो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता। अगर हम इसे पाले तो इसके दाने पानी का खूब ख्याल रखें। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज पेट्स कॉर्नर में पिजन के बारे में बात जानकर। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, अब हम दाखिल हो चुके हैं अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कुरानी सूरतें। और इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे अयान भाई। तो आइए अयान भाई से इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप अयान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। आज कुरान की कौन सी सूरत के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे? प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने सेगमेंट कुरानी सूरतों में कुरान पाक की किसी सूरत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें सुनते हैं। और आज हम कुरान पाक की जिस सूरत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें सुनेंगे वो सूरत सूरह फुरकान है और वो कुरान पाक के 18वें पारे में है। प्यारे बच्चों, इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ अल फुरकान आया, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह फुरकान रखा गया है। इस सूरत में जो चीज़ें बयान की गई हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। इस सूरत के स्टार्ट में अल्लाह पाक की तारीफ, उसकी अजमत व शान को बयान किया गया है। मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का जिक्र है। अल्लाह पाक पर तवक्कुल यानी ट्रस्ट करने वाले मुसलमानों की तारीफ जिक्र की गई है। इसी तरह इस सूरत में जो मुसलमान अल्लाह की राह में तकलीफ बर्दाश्त करते हैं उनकी तारीफ भी बयान की गई है। तो प्यारे बच्चों, इसके मुतालिक मैं आप लोगों से सवालात करूंगा, क्या आप मुझे जवाब देंगे? जी। तो आप ये बताएं कि आज हमने जिस सूरत के बारे में सुना है उसका नाम क्या है? आप बताएं। सूरत अल फुरकान। आपका जवाब दुरुस्त है। ये बताएं कि ये कौन से बारे में मौजूद है? आप बताएं। कुरान पाक के 18वें पारे में। आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस सूरत का नाम सूरह फुरकान क्यों रखा गया? आप बताएं। इस सूरत की पहली आयत में अल फुरकान लिखा हुआ है। जी, इस सूरत की पहली आयत में अल फुरकान है, इसी वजह से सूरत का नाम सूरह फुरकान रखा गया। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाल्लाह। इस सूरत के स्टार्ट में किसकी तारीफ को बयान किया गया है? आप बताएं। अल्लाह की तारीफ बयान की गई है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस सूरत में एक और चीज को भी बयान किया गया है, वो क्या है? अब बताएं। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का जिक्र है। और आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभानअल्लाह माशाल्लाह। इस सूरत में मुसलमानों की तारीफ भी बयान की गई है, किस वजह से बयान की गई है? अब अल्लाह पाक पर तवक्कुल करने वालों की। अल्लाह पाक पर तवक्कुल यानी ट्रस्ट करने वाले मुसलमानों की तारीफ बयान की गई है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरानी सूरतें। उम्मीद है आप लोगों को भी इससे सूरह फुरकान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। तो आइए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शाम। डियर किड्स, नाउ वी एंटर द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेगमेंट कॉल्ड क्विज टाइम। एंड इन दिस सेगमेंट आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द रैंडम किड्स सिटिंग ओवर हियर। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में मैं यहाँ बैठे बच्चों से सवाल जवाब करूँगा, जिससे इनको इनके इल्म में इजाफा होगा, इनको नॉलेज हासिल होगी, इस्लामिक नॉलेज हासिल होगी। तो आइए पहले सवाल करते हैं, वुजू का दूसरा फर्ज बताएं। चलें आप बताइए। कौन सा समय हाथ धोना। जी, और कौन बताना चाहेगा? आप बताएं। कोनियों समेत हाथ धोना। दोनों हाथ कोनियों समेत धोना। आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है, जमाई आए तो क्या पढ़ना चाहिए, यानी यॉनिंग आए तो क्या पढ़ना चाहिए? ये हमारे हमजा भाई बताएंगे। नातख्वां। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अजीम। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है, चार रकत वाली नमाज में कितनी बार समीअल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं? इसका जवाब आप बताएंगे। चार बार। जी, तो आप भी बता दें। चार। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। कब्र में सवालात करने के लिए कितने फरिश्ते आते हैं? दो। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, अगला सवाल कैलकुलेशन वाला सवाल है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। एक बच्चा एक दिन में 150 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हो तो बताइए चार दिन में कितने हो जाएंगे? सब मिलके बता दें। 600। जी हाँ, आप सबका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? ये तो सबको आता है, तो सब बता दें। जी हाँ, सबसे ज्यादा हिफ्ज की जाने वाली किताब भी कुरान पाक ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक दिन में मुसलमान पर 5 मर्तबा क्या फर्ज है? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज सबको इसका जवाब आ रहा है, तो सब मिलकर एक दफा बता दें। नमाज। जी हाँ, आप सबका जवाब फिर से दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, सवाल जवाब को यहीं रोकते हुए कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स भी शामिल कर लेते हैं। मेरा नाम उमर दुआ है, मैं शाहपुरजाना क्लास कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की जान बहुत और बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आज का सवाल का जवाब है कि आजा नूर इस्लाम किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉल। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की, आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपने सवाल का जवाब बताया, आपका जवाब भी दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयशा फरहान है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके सवाल का जवाब
दूंगी। सवाल का जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। तो प्यारे बच्चों आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है पानी किस हाथ से पीना चाहिए। इसका जवाब भी सबको पता है तो सब बता दें। जी हाँ, आप सबका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इशा की नमाज में कितने नफल होते हैं? ये इसका जवाब भी सबको बताए तो सब बता दें। आप लोगों का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह यहाँ सबको जवाब पता है और सबके जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी सवाल है अजान में हय्या अलस्सलाह कितनी बार कहा जाता है। अजान में हय्या अलस्सलाह कितनी बार कहा जाता है? चले सबसे एक एक करके पूछते हैं, आप बताइए। दो बार। और कौन बताएगा? आप बताएंगे? जी दो बार। जी और आप बताएंगे? जी दो बार। जी आप बताइए। दो बार। जी हाँ, आप सबका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों तो अब अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। हाय नेम इज वसीला नवीद। आई एम टेकिंग क्लास के मक्की का माय स्कूल नेम है दारिया मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल। माय आंसर इज हजरत नूह अलैहिस्सलाम। किड्स मदनी चैनल। Jazakallah khairah, you called in our program and your answer is correct. Aapka jawab durust hai. Subhanallah. MashaAllah, MashaAllah. Ek aur call shamil karte hain. Mera naam Sayyed Aisha Sadiqa Ataria. Aaj main aapko madni maqsad sunaungi. Mujhe apni aur sari duniya ke logon ki islah ki koshish karni hai. प्यारे बच्चों आज के सवाल का दुरुस्त जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो तमाम कॉलेज का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम तक पहुंचा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम आ गई। बच्चों की शाम फिर आ गई। बच्चों की शाम आओ बच्चों सीख ले कुछ। आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम बच्चों का मदनी चैनल।